नमस्कार प्राइम डिबेट को स्वागत जेबे थारो केंद्र सरकार निष्पत्ति नेलेनी जे एलपीजी ऊपर सिलिंडर ऊपर सब्सिडी को धीरे धीरे प्रत्याहार कर लिया जीव सब्सिडी को खत्म करा जीव एवं ता पर थारो राजनीति खास करी ओडिसा रे तेजी बारे लागी छि एवं आज तार पूरा पूर्व केवल बयानबाजी भितर सीमित थिला राजनीति किंतु आज रास्ता को लई छंती शासक दल महिला संगठन कर्मी माने तेरे आसंता का कांग्रेस महिला संगठन कर्मकर्ता माने मध्य रास्ता को ओह्लाउं आज राज्यपाल को फेरा होती का कांग्रेस समान ढंग से राजभवन आगे धारणा देव विक्षोभ कर आगे आहरी व्यापक करने उभय दल योजना करुं कि बीजेपी एसब कथ को कर्णपात करना बीजेपी सीधा साल कह कथा ये हूँ ईर्षार राजनीति जेहेतु पेट्रोलियम मंत्री ओडिशा प्रतिनिधित्व करुं तेणु से ईर्षान्वित हो विजु जनता दल और कांग्रेस एभ एक घटना को बेसी बड़ा रूप दौरान आंदोलन को ओह्लाउं बाकी कौटी यानी जिते दूर प्रतिवाद ना ओडिशा रे राजनीति ताकू अधिक सरगरम होता हास्यास्पद बीजेपी कह कथ बास्तव में एलपीजी सिलिंडर को लेकिन जो भाई भाव में राजनीति आरंभ हो दलगुड़ प्रतिवाद को ओह्ल लोकों पर साधारण लोकों पर यार कौन प्रभाव पड़े वास्तव में लोकं बाधिब कि ये निष्पत्ति बीजेपी कहूँ से भाई किसी हम ना कारण गरीब यह द्वारा प्रभावित हे ना गरीबा उपर एलपीजी उपर सब्सिडी काटर कौन प्रभाव पड़े ना ये पूरा घटनाक्रम को लेकिन आज प्राइम डिबेट सब्सिडी पॉलिटिक्स निष्पत्ति पछरे गरीबों कथा केते चिंता अच्छी जो भाई भाव में प्रतिवाद होकर बास्तव में प्रतिवाद होना राजनैतिक फायदा प्रतिवाद होनेक प्रश्न आसूँ आम सहित पैनल अच्छा विश्वरंजन महांती कांग्रेस साधारण संपादक डॉक्टर लेखाश्री सामंत सिंह आम सहित अच्छा भारतीय जनता पार्टी राज्य संपादिका और सुलोचना दास आम सहित अच्छा विजु जनता दल नेत्री आप समस्त स्वागत करुच्ची प्रथम आलोचना करने चाहिए मैडम सुलोचना दास आपं बीजेडी ईर्षान्वित होकर केवल ए प्रसंग को उठाऊ केन्द्रमंत्री पेट्रोलियम मंत्री प्रति ईर्षान्वित हो द्वितीय कथा है जितेबले उज्ज्वला योजना लोक मान गरीब लोक मान एलपीजी मागणार दि जाऊँ अर्थात विजु जनता दल कहते गरीबों पेटर नात अर्थात गरीबों उपहास गोटे हास्यास्पद घटना ये पूरा घटना टे ही हास्यास्पद आपण जो कथा कहते आपण जदि देखिबे एटा टाणी ओटारी की सी तांको मंत्री पाखक नौकरी यहाँ हूँ साधारण जनता हक पाई ये लड़े आपण मैंने देखी जो कथा कहगला स्वच्छ ईंधन सुखी जीवन कुआडे गला से जो स्वच्छ ईंधन सुखी जीवन कथा गरीब मानक जो भाई भाव में प्रधानमंत्री सेठी नारा लगे थिले स्लोगान दे थिले गोटे पब्लिक अपील करते जो मान पाखे पैसा अच्छी जो मैंने टैक्स दौरान से मैंने सब्सिडी छाड़ू एवं यही सब्सिडी पैसा गरीबों पाखक जीव कहीं से तो लोक तो पखापाखि कोटे ऊर्ध लोक छाड़देले सब्सिडी से पैसा गला कुआडे आज कौन हो सरकार जो सब्सिडी दौले से सब्सिडी को हटेबापी आसंता वर्ष मार्च सुधा पूरा सब्सिडी बंद करदे योजन अच्छा जो प्रतिमास चार टा लखा बढ़ावाई निष्पत्ति नहीं दुई टा लखा प्रतिमास बढ़ूला पुणी बढ़ला जीएसटी लगे बतीस टाँह बढ़ला एवं चार टा लखा ये कौन गरीबों उपहास जो महिला माँ भौनी जो मान कथा से कहते जहाँ से उज्ज्वला योजना कथा कहते जहाँ को दबापाई कहते जहाँ सुख विषय कहते सुखी जीवन कथा कहते से मानक पेटर आज लात लगे मारी तेणु से कथाटा जिते बड़े विजु जनता दल कह चाहिए ये साधारण साधारण लोकों कथा ये कह राजनीति कथा आसुनी ये हूँ गरीब लोक जो मैंने पैसा दे कि गैस नौले से आज अफोर्ड करने स्थित ना जो भाई भाव में बढ़ी बढ़ी चलती गैस रहा पुणी कथा कौन दुई हजार दस रु होता ये क्यों कौ प्रकार कथा से कहते हैं ना ना जदि आपण देखिबे से जहा ऊपर दोष लदी दउंतु ना काहे कि आज जो स्लोगान दे कि से लोकंकु प्रभावित करुथिले लोकंकर वोट पई से ता माने एठ जणा पडछि जे लोकंकर वोट पई से माने एभरी कथा कहुथिले आज वोट कोन मिलि गला ना 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 वोट कथा नहे आज से माने तांकर प्रकृत चेहरा पदारे आसीछि से माने आउ लुची पारिबेने एक कथा साधारण लोक जानि सालेने तार जवाब मध्य ठीक भाबर देबे ओके जवाब देबे साधारण लोक डाक्टर सामंत सिंघा गरीब लोकों पर उज्ज्वला योजना आपण आनी महिला सम्मान किंतु जहाँ मैडम कहले महिला पेटर नात
एलपीजी सब्सिडी जदि प्रत्याहार होछि एथरे दीटा कथा रहिछि गोटे होछि उज्ज्वला योजना आउ गोटे होछि दर वृद्धि उज्ज्वला योजनार उद्देश्य होछि जते सब बीपीएल परिवार रहिछन्ति सेमानंकु चिन्हट करिकि असल हिताधिकारी को केमिति मागणारे गैस कनेक्शन मिलिबो अधिकारु अधिका महिला उपकृत हबे एटा होछि उज्ज्वलार फोकस किंतु प्राइस राइज गोटे एंटायरली अलगा विषय देशरे प्राइस राइज विभिन्न कारणरु हुए मु आपनको केवल पेट्रोलियम विषय रे एठी कहियाबो चाहुची कारण डिस्कशन इज अबाउट दैट 2010 रे गोटे एम्पावर्ड कमिटी बसीथिला जोथरे बहुत बड़ बड़ नेता थिले सेथरे कमलनाथ भी थिले सेथरे ममता बनर्जी भी थिले अन्यान्य बड़ बड़ सांसद मंत्री से समय रे भी थिले एटा उपा सरकार रो समय रो कथा जोठी डिसीजन हैला जे 35 टंका पर गैस सिलिंडर दर वृद्धि हबो एई डिसीजन को जते बड़े लागू करिवार कथा आसिला ता पूर्वरु नरेंद्र मोदी को सरकार भारत वर्ष रे केंद्र रे सरकार शासन भार नेले तांकर गोटे बड़ एजेंडा हैला अधिकारु अधिका गरीब महिलांक घरे चुल्ली जागारे रंधन गैस रो व्यवहार हबो यार बहुत रीजन्स मु काहे कि रंधन गैस इन व्हिच वे इट इज बेटर देन काठो चूल्हा मु आपण मानन को से भीतर को जीवा को चाहू नाही किंतु ये गोटे सामाजिक परिवर्तन रो कथा ये केवल गैस सिलिंडर हेले केते टंका खर्च हबो सरकार केते देबे हिताधिकारी केते देबे सेतिकी को सीमित नुह ये कथा होउची गोटे विराट सामाजिक परिवर्तन रो कथा मु भाबुची जे 1947 मसिया पाखर परठारु जदि दुई तीनोटी महान परिवर्तन रो कथा उठिबो निश्चित ता भितरे प्रत्येक घर को पाइखाना रो कथा उठिबो आ प्रत्येक घर को रंधन गैस रो कथा होउची गोटे महिलांकू गैस दे कि आपण सुविधा देले शक्ति बाबू हमको सही पर्सपेक्टिव रे जिनसटा को देखिया को पड़िबो जे एटा गोटे केते महत काम तापर जते बेले दर वृद्धि कथा पडला जेहेतु ऑलरेडी सब्सिडी प्रत्याहार सब्सिडी कथा ये जो दर वृद्धि हला 35 टंका सेतरे प्रत्येक मास मात्र 4 टंका बढिबो या पूर्वरो गत मास 41 रुपीस ऑलरेडी दर कमीची जते बेले दर कमिला गैस सिलिंडर सेते बेले को राजनीतिक दल ना कांग्रेस ना बीजू जनता दल किए थरे आसिकरी बाहर को आसिकरी माने नरेंद्र मोदी को सरकार को धन्यवाद देले कि जे बहुत भलो काम कले 41 टंका कमे देले दर वृद्धि ना कले नाही ठीक अछि डोंट माइंड किंतु ये 4 टंका हिसाब रे 10 मास भितरे 4-4 टंका लेखा हेकरी 40 रुपीस मार्च मास सुधा 40 टंका वृद्धि हबो यार कारण हला जो गैस सिलिंडर रो प्राइस अछि जो गैस रो प्राइस अछि तार सेटा निर्भर करे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस उपरे सेटा निर्भर करे प्रोसेसिंग चार्ज उपरे सेटा निर्भर करे ट्रांसपोर्टेशन उपरे सेटा निर्भर करे जे केति की ऑयल प्रोडक्शन होची इंटरनेशनली सेटा निर्भर करे भारत वर्ष रे केति की डिमांड रहिची गैस पाई केते नुआ लोक हिताधिकारी होचो ठीक अछि सब कथा ठीक किंतु गोटे कथा मैडम कहतु शक्ति बाबू मो टिके लोकों को बाधिबो ना बाबू टिके मो सेई कथा को आसुची जते बेले ये जो सब्सिडी पैसा कुआडे गलाय कथा उठुची मो सेठी खाली एतिके टिके कहबा को चाहुची ये पैसा 2G 3G भलिया को कांग्रेस नेता को अकाउंट को जाई नाही कि ये पैसा जो 64,000 कोटी टंका माइनिंग स्कैम को बिजू जनता दल अकाउंट को जाई नाही ये ना भारतीय जनता पार्टी अकाउंट को जाई छी ना धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंट को जाई छी जो पैसा बंची छी से पैसा आपण कहि परंती जे डायरेक्टली क्रूड ऑयल प्राइस आउ ओडिसा आउ जो गैस सिलिंडर रो प्राइस सेटा ठीक भाबरे जति की सेटा कमी छी हुए एटा सेति की कमी नाही किंतु जो पैसा बंची छी से पैसा रे अधिका पेनिट्रेशन कराई छी अधिका लोकंक पाखरे गैस सिलिंडर पहुंची छी तनो एटा गोटे किछि छोटिया उपलब्धि बोली आपण भवंतु नै गोटे कथा कहू ठीक अछि आपण भलो कले गरीब महिला को उज्ज्वला योजना रे एलपीजी बांटिले किंतु ए जो निष्पत्ति बाकी जो लोक रहिले मध्यवित्त लोक अछंती ई जो गैस सिलिंडर दर 40 टंका बढ़ेबे सेटा सेमानक ऊपर प्रभाव पड़िबो ना नै आगे जत्ते बेले गैस सिलिंडर दर 41 टंका कमी थिला सेते बेले प्रभाव पड़थिला ना नै ओके नै कोंतु तार उत्तर रखंतु जे 40 कमेले पर 40 दे नै नै देखंतु 41 कमिला गोटिए झट गोटिए मास रे 41 टंका कमिला इमे किस्ती के 40 टंका आपन 44 टंका यस सेटा को होची 44 टंका त प्रभाव पड़िबो नि आपन मते काई लागोनी नै आमे लेट अस थिंक रैशनली आमे पॉलिटिकली ताको कोनोसी नै से रखंतु आपन नै गोटिए वाक्य रे कोंतु प्रभाव पड़िबो नि आपन बाबू गोटिए गोटिए वाक्य रे 44 टंका गोटे परिवार को मते लागोची जे एटा गोटे बोसेमिति गोटे किछि झटका बलिया लागिवनी आपण जदि देखिबे विश्वरंजन बाबू लोक कथा हो विश्वरंजन बाबू ओके विश्वरंजन बाबू
ओके विश्वरंजन बाबू यूपीए सरकार निष्पत्ति एनडीए सरकार इम्प्लीमेंट कले द्वितीय कथा हूँ 41 टंका गत मास रे कमिला एवं 10 मास रे 40 टंका बढ़ेबे तो लोकों को ऊपर प्रभाव पड़ा कौटी मैडम प्रश्न करुछंती बाधि लेखाश्री मैडम जने अत्यंत माने भारतीय जनता पार्टी जने आगधाड़ी प्रवक्ता से दयाक टिप्पणी दिंतुन जे 2G 3G टंका कांग्रेस अकाउंट को जाइला जब जाइला आप सरकार तीन वर्ष रही देशवासी को देखा ना कांग्रेस को अकाउंट रे 2G टंका जाइला ये स्टेटमेंट दिंतुनि गोटे आम राज्यर देशर स्वार्थ विषय आलोचना नहीं शुणु कौन एक्सपोज कर भारत बर्ष सब वेलफेयर स्टेट डेफिनेशन कौन सब्सिडी कौन दि जाऊला सब्सिडी ये दि जाऊला गोटे वेलफेयर मॉडल जो डेफिनेशन वेलफेयर स्टेट टैग है कि समाज शेष वर्ग में थी लोक को देखिकी समस्त नीति नियम बना जाए सरकारी नीति नियम जोटा कि गोटे पुअरेस्ट अफ द पुअर को अफेक्ट करेंपाई सब्सिडी दि जाऊला मुझे आपको मन पकईदेवाई चाहे लेखाश्री मैडम इंटरनेशनल क्रूड ऑयल रो प्राइस 53% डाउन अच्छी इंटरनेशनल क्रूड गैस रो प्राइस 35% डाउन अच्छी यूपी अपेक्षा वर्तमान तेणु बहुत समय चाहे यूपीए सरकार गोटे गैस सिलिंडर रे 449 टंका सब्सिडी दौला कंज्यूमर को माने जो सब्सिडाइज सिलिंडर जो दौलु से गोटे गैस सिलिंडर रे 449 टंका सब्सिडी दौलु जानवा दरकार आप कारण जेहेतु गरीब को से माड़ा न पड़ू 900,000 टकर जन लोक सिलिंडर किनि परिबन आमे 449 टका सब्सिडी दउतुल सेतळे इंटरनेशनल क्रूड पा ऑयल प्राइस कोन थिला इंटरनेशनल गैस प्राइस कोन था ताकु चेक करिवे नंबर 1 आपण एबे ए जो 53% डाउन हला परे आपणकर पेट्रोल रेट वर्तमान मार्केट रे 32 टका रे मिलिया कथा डीजल 26 टका रे मिलिया कथा गैस 250 टका रे मिलिया कथा आपण एनुअली 233,000 टका रेवेन्यू जनरेट करिसेंती टैक्स आ इंपोर्ट ड्यूटी लगे कि पेट्रोल डीजल रे से पैसा जनता को कोन देले नंबर 1 नंबर 2 हला मोर गोटे कथा मन पडुची प्रधानमंत्री सेप्टेंबर 2 तारिख 2014 रे टोकियो रे गोटे कथा कहिथिले से कहिथिले कि मु गुजराती मो रक्त बिजनेस दौड़ू टंका केमती आनिया दरकार मुझे जानी टंका केमती कमाया दरकार मुझे जानी व्यापार केमती करिया दरकार मुझे जानी जदि जड़े शासक व्यापारी हो जाए ताले ये वेलफेयर स्टेट मॉडलटा कैपिटलिज्म पूंजीपति शासन नहीं जीवो एवं आपण आपण सुनंतु धैर्य धरंतु आपण जो भली भाव में पेट्रोल डीजेल को रिलायंस अदानी अंबानी जो भी भाव में एंट्री कले सेमती गैस सब्सिडाइज गैस उपभोक्ता तादर आपण एबे दैछंती उज्ज्वला स्कीम माध्यम रे प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम माध्यम रे 2.5 कोटी पाका पाकी दैछंती 2 कोटी नु 2.5 कोटी पाका पाकी दैछंती तादरु 74% लोक रिफिलिंग करि परनांती रिफिलिंग करि परनांती ए अवस्था वर्तमान जदि आपण तांकर सब्सिडाइज वर्तमान केन्द्र सरकार सब्सिडी म गोटे पॉइंट करिके सारिबी केन्द्र सरकार सब्सिडाइज रे मात्र वर्तमान 50-55 टका आपण दउछंती आपण 40 टका नै अधिक दउछंती नै नै वर्तमान वर्तमान इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस गैस प्राइस हिसाब रे गैस रो मार्केट रेट एवं जो सब्सिडाइज गैस एवं या रेट भीतर मात्र 70-80 टका रे डिफरेंस अछि 85 टका बोध होय डिफरेंस अछि मैडम आपण 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 को आउ गुटे कथा कहय पे चाहूची आपण जो कहले कि यूपीए सरकार निष्पत्ति नैथिला यूपीए सरकार डिसीजन नै नथिला यूपीए सरकार कंसल्टेशन करथिला जून 2010 रे जो उच्च स्तरीय मंत्री बैठक होता तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी नेतृत्व में से आलोचना होता कि आम रैशनालाइज करवा सब्सिडी को कारण से यूपीए सरकार 450 टंका लेखे सब्सिडी जब गोटे गैस दौला कौन भाव में आर्थिक बोझ होता ओके 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 ओके
କହିଲେ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ର ପ୍ରାଇସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି କମିଛି। ମୁଁ ସେଇ କଥା ବୋଧେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ନଥିଲେ ବୋଲି ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ। ହଁ, କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ର ପ୍ରାଇସ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଛି, ସେ ପଇସା କିଏ ବହନ କରିବ? ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କହିଲେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ ର କଥା, ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ, ୟାଙ୍କ ବେଳର ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ କି ମାଲୁମ। ସେଇଠି ନିଜେ ତାଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଠେଇଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 15 ପଇସା ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ସରକାର, ଯାହାକୁ ଇଏ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଠେଇଲେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଇଏ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଷୟ ହଉଛି, ଯିଏ ଅସଲ ହିତାଧିକାରୀ, ଇଏ ରାସନ କାର୍ଡ ଭଳିଆ ଅନାବନା ଏରାଗେରା ନତୁଖେରା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଅସଲ ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏ, ସିଏ ପାଇବ। ଇଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ 4 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ବଢିବାର, ଇଏ କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଯାଏ, ଇଏ କେବଳ ଜମା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଷୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କଣ ମୁଁ ବିଷୟ ବୁଝି ପାରିବି? ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବିଷୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ମତେ କହିବାକୁ ନା, ମତେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବିଷୟ। ଆପଣ ଇଏ କେବଳ ହଉଛି କାରଣ ଏଇଠି ହିତାଧିକାରୀର ଠିକ ଭାବରେ ହେଇନଥିଲା ଲିଷ୍ଟିଂ। କିଏ ଅସଲ ହିତାଧିକାରୀ, କିଏ ବିପିଏଲ, କିଏ ବିପିଏଲ ନୁହଁ, କିଏ କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ହେଇନି, ହଉଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଯୋଉମାନେ ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ପିପଲ, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବସିଡି ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବିପିଏଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସେମାନେ ଯେମିତି ସବସିଡି ପାଉଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଏଭଳି ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ସିଏ ଯୋଉ ଗତ ମାସ ଜୁଲାଇରେ ଯୋଉ 32 ଟଙ୍କା GST ପରେ ବଢିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ପଦୁଟେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା 6 ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବଢିଛି। ତା ଛଡା ସେ ଯୋଉ 2-2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବଢାଉଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ, ସେ ବିଷୟରେ ପଦୁଟେ କହିଲେନି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ସବସିଡି ବନ୍ଦ ହବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେନି। ଆଉ ତା ଛଡା ସେ ଗୋଟେ କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅସଲ ହିତାଧିକାରୀ କଥା, କାହିଁକି ଚିହ୍ନଟ କରି ଦେଲେନି? ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳା, ସେ କ'ଣ ଅସଲ ହିତାଧିକାରୀ? ନିଜ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ନିଜ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମାଇନିଂ କଥା ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଇକି ବାହାର କଥା ଆସି କହିଲେ ମାଇନିଂ କଥା। ତାଙ୍କ ଦଳ ପରା ସରକାରରେ ଥିଲା 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶିକି ଥିଲେ, ତେଣୁ କଣ କଥା କହିବେ ସେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି 2010 ରୁ କାଇଁ 2010 ରୁ ଯଦି ୟୁପିଏ ସରକାର ଗୁଡେ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲା ଯାହାକୁ କି ତମେ ଏଇଟା ଜନ ବିରୋଧୀ କହିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ, ସେ BRGF କଥା କୁହନ୍ତୁ, IAP କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେବିକା ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କଲ, ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନକୁ ନୀତି ଆୟୋଗ କରିଦେଲ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରୁଛ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଡିସିସନକୁ ବନ୍ଦ କାହିଁ କଲନି? ତା ଛଡ଼ା ଡିଜେଲକୁ ଏଇଟା ଆଂଶିକ, ଡିଜେଲ ଦରକୁ ଆଂଶିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କାହିଁକି ପୁରା କରିଦେଲ, ଯୋଉଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବିତ କଲା? ଏବେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଷ୍ଟ ବଢିଛି,
ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ର ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ଦର କେତେ କମିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଦର ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଦରକୁ କାହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ? ଡିଜେଲରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ଡିଜେଲରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ବଢିଲା, କାହିଁକି ବଢିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରଟାକୁ ସେ ରଖିବେ ସବୁ। ତେଣୁ ସେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିଡ୍ରୋ କରିନେବେ ସବସିଡିକୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କେବଳ 40 ଟଙ୍କା ବଢେଇବୁ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ୱିଡ୍ରୋ କଥା ଆସିବ। ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉଠି ବଣ୍ଟାଇନି, ଏଟା ଏସ୍ସିସିସି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ୍ ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର। ମୁଁ କହିଦିଏ ଟିକେ, ଏସ୍ସିସିସି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜେ ମନଗଢା ବିପିଏଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଲେ ସେମିତି ହେଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଉପରେ 26% ଭ୍ୟାଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ଦରଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଟ୍ ଲଗେଇ ନଥାନ୍ତେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଯୋଉ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏଇଟା ଚାଲିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସବସିଡି ବନ୍ଦ ହବ କି ଆଉ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ ହବ, ୟା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବା ସରକାର, ଆଉ ଇଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ପରେ ୟାର ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ହବ। ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍ ହବା କଥା, କେତେ ଲୋକ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଉ ବଢେ କାହାକୁ ନେଇକି, ତାର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ୟାରାମିଟର ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ପେଇଂ କାପାସିଟି। ସେତିକି ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନେ ହିସାବ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 4 ଟଙ୍କାର ବୋଝ ଲୋକ ନେଇପାରିବେ, ଲୋକ ଉଠେଇ ପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବିଜେପିର ଡିସିସନ ନୁହେଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡିସିସନ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍। ଇଏ ମୋର ମନଗଢା କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଯୋଉ କଥା ମ୍ୟାଡାମ୍ କହିଲେ, ଇଏ ଯୋଉ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କଥା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ୍ କହିଲେ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା ବଢେଇବେ, ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ମ୍ୟାଡାମ୍ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି 41 ଟଙ୍କା ଆମେ ଗତ ମାସରେ କମେଇଲୁ, 40 ଟଙ୍କା ବଢେଇବୁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବୋଝ ପଡିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ବାବୁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂ କାଢିଦେଲେ ବିଷୟରେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ନିଜେ ଯଦି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଜେପିର ଆଜେଣ୍ଡା ନୁହେଁ, କିଏ କହିଥିଲା କି ଏ ବିଜେପିର ଆଜେଣ୍ଡା ବିଲ୍? ଆମେ ତ ସରକାରଙ୍କ ଆଜେଣ୍ଡା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ ତ ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିଜେପିର ଆଜେଣ୍ଡା ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ସେ କହିବା ଏଠି ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ତ ଆମେ ତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କହୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଏଠି ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂ କାଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସବସିଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତର କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବାହାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ସେଟା ଆଇନ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବାହାରେ କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଇସ୍ୟୁକୁ ଉଠେଇଥିଲା, ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦକୁ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇଲେ, ଘେରିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ସବସିଡି ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଲିଠୁ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କିରୋସିନ କୋଉଠି ଆଉ ଦେଶରେ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କର କିରୋସିନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତା ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କଲେଣି। ତେଣୁ ଇଏ ସରକାର ଗିଭ୍ ଅପ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେରେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ଏଡେ ଏଡେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇକି 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରାଜସ୍ୱରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କି ଆପଣ ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଇମୋସନାଲ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ପାଇଁ?
जो कथा से उठाउछंती लेखाश्री मैडम जे जदि आप बिजु जनता दल एते दरद महिला सब्सिडी हटी गले ताल 26% भ्याट काई के लगाई छंती राज्य सरकार नहीं नहीं केंद्र सरकार बड़े बड़े चली बा राज्य सरकार का उत्तर दियो ना काही की कोन पाई आपण आपण माने ना ना आपण माने कोन से ठिका नहीं छंती आपण माने ठिका नहीं छंती की पेट्रोल डीजल आपण रखी के आसी आईटी एडवर्टाइजमेंट करिवे से पैसा रे कंपनी सुनंतु ये पूरा पूरी हेई छी प्राइवेट कंपनी माने उत्तर दे सुनंतु प्राइवेट कंपनी माने भाई भाई कोन पाई सुनंतु काही की आपण कोन भाई सुतरा करछंती विश्वरंजन बाबू 26% भैट ठीक निष्पत्ति की केंद्र सरकार वोट दे लोक मैंने पठाई केंद्र सरकार मन इच्छा बढ़े कि पेट्रोल रेट डीजल सब्सिडी लेखाश्री सामंत सिंह डॉक्टर विश्वरंजन महांती मैडम सुलोचना दास बीजेपी कहवा कथा निष्पत्ति लोक बाधिब ना लोक विरोध में जीवना 41 टका कमेलु 40 टका बढ़ेबू 10 मास विरोधी ए मानिबार नहांती गरीब लोकों पेटे ना तो वास्तव में गरीब जनता ही विचार करेंगे से मैं बाधि ना बाधि निश्चित रूपे तार जवाब से देवे यार विचार हम बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम डिबेट को नमस्कार।